है चिकन चीजी मलाई बोटी। आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। चिकन चीजी मलाई बोटी के लिए हमने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसमें हम 2 टेबल स्पून दही डालेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें हम मलाई डालेंगे। आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप फ्रेश क्रीम डालें, नहीं है तो आप घर की मलाई भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, ये अपने टेस्ट के हिसाब से रखें आप, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। हमें बहुत थोड़ा ही लाल मिर्च डालनी है। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है और आधे घंटे के लिए हमें साइड में से रख देना है। अब हम चीज़ी मलाई बोटी के लिए एक सॉस तैयार करते हैं। इसके लिए हमें बटर चाहिए, 2 टेबल स्पून हमें बटर चाहिए। बटर हमारा मेल्ट हो रहा है, अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ही मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये सब हमें स्लो फ्लेम पे ही करना है। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। हमने 1 कप के करीब इसमें दूध डाला है। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारी सॉस अच्छे से पक रही है, इसे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। हमें सॉस को पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं, हमारी सॉस अब तैयार है। हमारे चिकन को रखे हुए 1/2 घंटा हो गया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। हम पहले इसे स्टिक में लगाएंगे। इस तरह से हमें लगा लेना है और उस पर हमें इस तरह से मसाला भी लगा लेना है। मैं आपको एक और दिखाती हूँ। हमें इस तरह से ये स्टिक में से लगा लेना है। और इस पर थोड़ा हमें मसाला भी ऐसे लगा देना है। हमें इसी तरह से सारे बना लेने हैं। हमारा मलाई स्टिक बन के तैयार है। अब जो मसाला है बचा है हम ऊपर इस तरह से इस पर लगा लेंगे। हमने एक तवा गरम करने रख दिया है, इस पर हम बटर डालेंगे और इसे अच्छे से सब में फैला देंगे। अब इस पर हम ये अपनी स्टिक रखेंगे। हम इसे कवर कर देंगे और 3 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये सब हमें स्लो फ्लेम पे ही करना है। चिकन स्टिक को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए इस पर अच्छे से कलर आ रहा है, हमें इस तरह से इसकी साइड चेंज कर देनी है। दूसरी तरफ से भी हमें
तीन से चार मिनट तक ढक के पकाना है। हम बीच में थोड़ा सा बटर इसे डाल देंगे। हमारी चिकन चीज़ी मलाई बोटी अच्छे से दोनों तरफ से पक गई है। अब हम एक कोयला जला के हमने उस पर थोड़ा बटर डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देंगे। हमें सिर्फ आधा मिनट तक ही इसको कोयले का धुआं देना है बस। अब आधा मिनट हो गया है। अब हम अपनी ये कटोरी इसमें से निकाल लेंगे। अब हम चिकन पे जो हमने सॉस तैयार किया था वो हम इस तरह से लगा देंगे। हमें अच्छे से सॉस लगाना है। हमने चारों पे लगा लिया है अच्छे से। अब हम इस पे चीज़ डालेंगे। मैं प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अब इस पे हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऊपर से हम डालेंगे। और इसे कवर करके हम दो से तीन मिनट पकाएंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे। तीन मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब तीन मिनट हो गए हैं। हमारा चिकन अच्छे से हो गया है। हमारा चीज़ भी मेल्ट हो गया है अच्छे से। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। चिकन चीज़ी मलाई बोटी बनकर तैयार है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।